निकाल ली हैं। तो ये वाला देखिए, ये एंट्री गेट पे अच्छे लगेंगे, ये दोनों वाले गमले अच्छे लगेंगे। पता है एक्चुअली क्या होता है कि गमले सस्ते आते हैं बट गमलों के जो पौधे होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। दो है ना, ये 220 के, मतलब ये 440 रुपए के, तो ये दो हैं, ये मेन जो अभी आपको मैंने दिखाए हैं, पसंद किए हमने। एक्चुअली पता है देखिए, गमले तो सस्ते थे बट गमलों के पौधे इतने महंगे महंगे, 200, 250, 300, 350। अगर मैं सच में बैठूं, अगर मान लो ऑन एवरेज 200 रुपए भी लगाऊं एक गमले पे, तो 10 गमलों में 2000 रुपए का खर्चा। गमले इतने के नहीं है, गमले चलो 60 रुपए का एक है, मैंने सोचा चलो ले लेते हैं। इतने भैया ने हमारे दो गमले लगा दिए हैं। भैया इनका कितना हुआ टोटल? किसका? ये जो भूल गया दो पे। हाँ, इन्हें फिलहाल अभी ये दो ही गमले लिए हैं, देखो आप क्लोजली देख लो। और ये दोनों गमले विद ये पौधे के साथ मुझे 650 रुपए के पड़े हैं, 650 रुपीस के। तो इसीलिए मैंने ज़्यादा नहीं लिए, मैंने कहा यार ये अगर मैं इतने सारे लूँगी ना तो कम से कम भी 4000 रुपए का खर्चा बैठ जाता, मैं इतना अभी नहीं सोच सकती। यहाँ पे मैंने ना वो वाला जो क्रिसमस वाला होता है ना वो पूछा था पौधा, वो था 350, 250, 350, 400 इस रेंज का, और वो छोटा सा था। और ना मतलब जैसे मैंने देखा हुआ है काफी बड़े बड़े लगाते हैं ना लोग क्रिसमस पे, तो वो तो बहुत महंगा आता होगा, या तो वो कहीं से एक दिन लगाना होता है ना तो वो कहीं से ऐसी अरेंज करके ले आते होंगे। ये वाले भी दोनों पेंट हो गए हैं और पेंट होने के बाद अच्छे लग रहे हैं, अब ये कलर ठीक लग रहा है। और मेरे भाई बोल रहा है कि तू ले ले, पापा जी भी बोल रहे हैं, बोलते चाहे पैसे हम दे दें। मैं कहा पैसे की बात नहीं, वो मुझे बोले मुझे पसंद नहीं आए जो भैया ने दिखाया था ना, बोलते मेरा भाई कह रहा है और देख ले कुछ, वो पसंद नहीं आया। एक्चुअली ना मेरे को ये वाला ना पसंद इसलिए नहीं आया, मैं कहा ये वाला ना 150 रुपए का, ये वाला देखना एक, ये 150 का है देखो, है ना, इसमें है क्या देखने के लिए? वैसे छोटे से पत्ते ही तो हैं, मतलब पता नहीं मेरे को समझ नहीं आ रहा। ये महंगे वाले हैं, ये सड़े काफ़ी महंगा है। मैं कहा कुछ ऐसा दिखाएं ना जो प्राइस वाइज भी थोड़ा ठीक और बंदा ले सके। ये अच्छा लग रहा है, ये शायद महंगा बताए, कितने का बताए, ये वाला पूछती हूँ। और ये वाले ही दे दो मुझे, करवा दो। हाँ दो ये वाले, थोड़े अच्छे से निकाल देना। हाँ ये वाला ठीक लग रहा है, छोटी हाइट का है, ये उतने बड़े पत्ते भी इसके तना नहीं निकलेंगे। इसमें दो निकाल दो, ये देख लेना ठीक लग रहा है थोड़ा सा, ये थोड़ा सा हरा भरा सा है, नहीं है जो अच्छा लगे उसमें वो कर देंगे। ये दो कर दीजिए, मुझे ये वाला दे दीजिए, एक तो ये वाला, एक ये वाला लिया है। इसमें ना एक्चुअली दो कलर्स हैं, एक तो ये वाला है देखिए, ये लाइट लाइट क्या है इस, किसका नाम क्या है चलो भैया अभी, तो एक तो हमने ये वाला लिया है और एक वो वाला जो अभी लगाएंगे, आपको लगाने के बाद ही दिखा दूंगी। तो ये इन दोनों गमलों में लग जाएंगे। एक्चुअली मैंने तो सोच लिया था कि मैं नहीं लूंगी इतने महंगे, मतलब इतना मतलब प्राइस, लेकिन पापा जी को शौक है, मैंने बताया ना कि पापा जी के मन में ये चीज़ आ गई कि अच्छा लगेगा सजावट। पापा जी बोलते तुम मेरे से ले लियो जो बाकी गमलों के पैसे, जो भी पौधे लगे पर तू लगवा ले। मैंने कहा पापा जी आपसे तो मैं लूंगी नहीं, दूंगी तो मैं ही, लेकिन आपने कहा है तो अब मैं लगवा लूंगी। तो अब आपको मैं दिखाऊंगी पौधे लगवा रहे हैं हम यहाँ पे, देखिए भैया हमारे ही लगवाने लग रहे हैं, जितने भी गमले आपको दिख रहे हैं ना सामने भैया लगा रहे हैं जिनमें खाद वगैरह, और ये वाले भी सारे लगेंगे और आपको फिर अच्छी से ना वो हो जाएगी, दीवार पे लगेंगे बढ़िया वाले। मुझे ना ऐसा फील हो रहा है कि मेरे को ना डॉक्टर के दिखा के ही आना पड़ेगा इस महीने के एंड तक, कभी ना कभी जरूर जाऊंगी, क्योंकि मेरे को काफी टाइम हो गया यार, मेरा पेट का दर्द हो क्यों रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। पेट में दर्द अपने आप हो जाता है, अजीब सा मतलब अंदर से लगता है जैसे बॉडी ठीक नहीं है, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा, समझ तो नहीं आ रहा, बट मेरा ना मन नहीं है यार। मैं सच में मेरे को बड़ा वो होता है, देखो कोई ऐसी चीज होना जैसे मैं बालों का ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, वो मैं खुशी से करवा रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है भाई मेरे बाल सुंदर हो जाएंगे, लंबे होंगे, बढ़िया खुशी मिलती है। पर जैसे अभी पेट का दर्द है ना, इसके लिए डॉक्टर के पास जाने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है यार अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा, उसके बाद फिर मतलब ऐसा लगता है 2,500-3,000 का खर्चा मतलब सिर पे बैठ गया है, ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है यार अपने आप हो जाना ठीक ये पेट। फिर मैं खुद को कई बार कोसती भी हूँ, मेरे को लगता है यार मैंने जरूर कुछ ऐसा खा लिया, कुछ खा रही हूँ मैं ऐसा, मैं डाइट पे ध्यान नहीं दे रही, मैं थोड़ा पानी वानी ज़्यादा पीऊँ तो क्या पता 5-6 दिन में अपने आप ठीक हो जाए, हो जाएगा ना ठीक। मैं बस अभी अच्छे से मैं घर जाती मैं 2-4 गिलास पानी पीना शुरू करती हूँ, बीच में 1-2 दिन बिल्कुल नहीं होता, ठीक हो जाता है फिर से होने लग जाता है, अंदर बॉडी में कुछ है लेकिन
वो रिकवर अपने आप नेचुरली भी तो हो सकता है ना, उसके लिए इतना ज़्यादा ट्रीटमेंट करवाने की क्या ज़रूरत है। सही बोल रही हूँ ना मैं? अब बाबू पता है क्या हुआ अभी, ये ना कार चल रही थी, पर चल रही थी मतलब एसी चला दिया मेरे भाई ने कि एसी में बैठे रहेंगे, और इसने ना गियर पे पैर रख के गियर छेड़ दिया, ये गाड़ी आगे जाती बच गई बस। आज तो बहुत ही बड़ा दुर्घटना होने से बच गई अब। और आपको भी पता है देखो, सामने सीधा जाते ही रोड, और यहाँ पे चलते हैं बड़े बड़े ट्रक, ये हाईवे है, और सीधा कार आगे जाती। तो मैंने अभी ना मेरे भाई को कार बंद करवा दी, मैंने कहा एसी की जरूरत नहीं है, हम खिड़की खोल लेंगे, खिड़की से हवा आती रहे, बट रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि ये तो छेड़खानी करेगा। और मेरा भी ध्यान हट गया, एक सेकंड में ऐसे करता है, छेड़ता है, गियर पे हाथ लगाता है। पता है वैसे ना हमें, मेरे को ऐसा लग रहा है ना, हम लोग पौधे वगैरह इसलिए लगवाते हैं कहीं ना कहीं कि हमारा लाइफ का जैसे हमारा एक अकेलापन होता है ना जिंदगी का, लोनलीनेस, उसको कहीं ना कवर कर लेते हैं पौधे। क्योंकि अब जैसे घर के बाहर हम देखें हरियाली सी हो, पौधे मतलब होता है ना थोड़ा सा मूड तो अच्छा होता ही है, लगता है देखो कुछ लाइफ नजर आती है ना, कुछ अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज ना अच्छा है मेरे घर के लिए, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट जरूर लेकर आएगी। ये देख लीजिए भैया ने ये सारे पौधे, मैं ना कार से उठने की मेरी हालत नहीं है, मेरा बताया ना मेरे पेट में दर्द उठने लग गया फिर से, या मेरे को हो सकता है नहीं, ये एक मिनट पहले आप ये देख लीजिए, ये तो अच्छे लग रहे हैं पौधे ना, घर में अच्छे लगेंगे डेकोरेशन के बाद। बोल रही थी एक मिनट, हाँ मैं ये कह रही थी कि पथरी का तो नहीं होगा ये दर्द, पेट में नहीं होता, क्योंकि पथरी का दर्द मुझे पता है कमर में होता है, मेरे कमर में नहीं है, मेरे फ्रंट एरिए में पथरी हो रहा है पेट का दर्द, तो कुछ भी हो सकता है। टोटल आप देख सकते हो, आपको ये भी पता चल जाएगा इसमें कि कौन कौन से लगवाए हैं हमने पौधे, तो टोटल 1700 रुपये का लगा है ये। मैं तो सोची थी 3-4 हज़ार का लग जाएगा, बट 1700 रुपये में गमलों वाला काम कंप्लीट हो गया पौधों के साथ सारा। एक्चुअली मैं ये वॉइस ओवर नेक्स्ट डे कर रही हूँ, और भी गमले आए थे वो मैं अभी शूट लेके आपको दिखा दूंगी। ये देखिए तुलसी का पौधा है, पापा जी ने ना एक तो करी पत्ता लगाया है, एक तुलसी का पौधा लगवाया है। ये मैं करीबन 1 साल पहले प्लास्टिक के गमले ले आई थी ना, तो उसमें ऐसे कैसे रखे हुए थे, पापा जी बोलते इसमें भी कुछ ना कुछ लगवा ही लेंगे। और ये कैमरे में आपको बहुत गमले छोटे लग रहे होंगे, लेकिन ये बहुत भारी और बड़े बड़े गमले हैं ये वाले देखिए। और ये एंट्रेंस पे ही लगवाने के लिए सोचा था कि ना दो बड़े गमले लेंगे जो एंट्री गेट पे लगवाएंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन बाद में लगने के बाद पता चलता है ना कि देखिए कि क्या कमी रह गई है। और एक्चुअली हुआ क्या था कि देखिए ये एक चक्कर में तो आ ही नहीं सकते थे कार में गमले ये सारे, तो दो चक्कर लगवाए थे, तो मैंने ना मतलब रात को शूट लिया नहीं। ये देखिए अभी तो ये 4 गमले ही आए थे और 2 प्लास्टिक वाले आ गए थे, अभी 4 गमले और आएंगे। तो मेरे को यहाँ पे पता है क्या लग रहा है, मैं अभी आपको बताऊँगी, थोड़ी देर में आपसे बात करूँगी, फिर मैं बताऊँगी कि क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए। तो टोटल इसमें मेरे अभी तक 1700 रुपये लगे हैं, और ठीक है मैंने करीबन इतने लगभग 2000 के करीब रुपए अलग रखे हुए थे कि नई घर के लिए कुछ ना कुछ करना है इस महीने, कुछ अच्छा डेकोरेशन पर्पज़ से कुछ करेंगे, घर सुंदर लगेगा। तो अभी आगे का जो गार्डन वाला हिस्सा है वो भी हम कवर करवाएंगे धीरे धीरे, देखते हैं पता करूंगी उसमें कितना पैसा लगेगा क्या लगेगा, क्योंकि बगीचा सा बनवाना चाहती हूँ मैं, माली बुला के उसमें कि आगे घास लगवाना चाहती हूँ मैं, मतलब मैं इस वाले घर में ना मैं वो वाला काम नहीं करवाना चाहती टाइल वगैरह का आगे फ्रंट में, मैं चाहती हूँ छोटा सा बगीचा सा बने जो देखने में भी मतलब सुंदर लगे काफ़ी ज़्यादा। अभी देखिए नेक्स्ट डे आ गया है और सुबह का टाइम है, करीबन 8:30 बज रहे हैं, इतना लेट हो गई हूँ आज, मैं 7:30 बजे उठ गई थी बट अपना एडिटिंग के काम में लग गई थी पहले, तो मैंने सोचा चलो मैं अब आपको अच्छे से दिखा देती हूँ दिन के उजाले में कि कैसे कैसे है। तो मैं आपको क्लोजली अच्छे से दिखा रही हूँ, ये देख लीजिए, एक तो ये वाला पौधा है, किस चीज़ का है कॉमेंट करके बता दीजिएगा, मुझे नहीं पता। सेकेंड वन ये देखिए, थर्ड वन, ये फोर्थ वन, ये एंट्री पे लगवाए हैं, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है सेम वही वाला, ये देखिए इधर भी लगवाए हैं, और ये दो पौधे तो अंदर रखेंगे। मेरे को पता है क्या है, ये जो बड़े साइज वाला जो गमला है ना ये वाला, हाँ ये एक और लाना है, ये यहाँ पे रुकिए मैं आपको बताती हूँ, ये वाली जो जगह है ना यहाँ पर एक बड़ा गमला लगवाऊंगी ऐसा ही, देखिए पूरा फिर कवर हो जाएगा, और ये वाला गमला उठा के जाएगा यहाँ पीछे चला जाएगा, ये दोनों उठवाऊंगी यहाँ से, क्योंकि ये इंडोर के हैं। ये तुलसी का पौधा आपको मैं दिखा देती हूँ, घर में पापा जी ने लगवाया है हमारे यहाँ पे, ये है ना तुलसी, हाँ ये तुलसी का है, ये शायद करी पत्ता का है, हाँ ये वाला है।
तो ये पौधे लगवाए हैं। और वो फ्लावर्स वगैरह इसलिए नहीं लगवाए, फूल वगैरह, बल्कि वो तो सस्ते लगते हैं, ये तो महंगे हैं काफ़ी। ये तो बहुत महंगे आए हैं पौधे, आपको क्या बताऊँ मैं रेट वगैरह। 100-100 के नहीं हैं ये पौधे, 200-250 इस रेट के हैं। तो ये इसलिए लगवा लिए ये वाले थोड़े, क्योंकि ना हमेशा के लिए ओल्ड टाइम चलते हैं इनको ना, बार बार ऐसा नहीं होता कि ये जैसे फूल वगैरह क्या होते हैं ना, वो सीजनल होते हैं, आज लगे हुए हैं कल को निकाल लो। वो देखो हमारे एक पड़ोसियों ने भी लगवा रखे हैं पौधे, तो है ना, मैंने इनका ही देखा था, जैसे कई पड़ोसियों ने लगवा रखे थे पौधे, तो उनके जो गमले हैं ना इतने खिल के नहीं आ रहे थे, मैंने ये चीज़ नोटिस करी। क्योंकि गमले ना जैसे जो लाल रंग का है, देखो इनके जो लाल रंग का गमले है ना वो अच्छे लग रहे हैं काफ़ी, और जो दूसरे गमले हैं ना वो खिल के नहीं आ रहे। तो मेरे को लगा कि मैं लाल रंग का ही गमले लगवाऊंगी, वो अच्छे लगेंगे, तो मैंने थोड़ा सा आइडिया लिया था पड़ोसियों से। मतलब बहुतों ने लगवा रखे हैं गमले, तो मैंने कईयों के नोटिस किए, मैंने कहा जो जो फेडेड वाले होते हैं वो अच्छे नहीं लगते, रेड कलर अलग से खिल के आता है, इसीलिए मैंने रेड कलर लगवाया है, देखिए आप, और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। ये एक गमला आज मैं खरीद के और लाऊंगी, 1700 रुपये लग गए हैं, 350 रुपये मेरे और लगेंगे, तो करीबन करीबन 2050 रुपये में मेरा आगे का ये तैयार हो चुका है। मतलब यहाँ की डेकोरेशन का काम तो देखिए पूरा हो गया, सुंदर लग रहा है ना। अभी देखते हैं काम आगे का, ये देखिए अब आगे का जो पार्क बनेगा ना यहाँ पर सामने, तो वहाँ पर भी मैं बड़े बड़े गमले ला के बॉर्डर भी गमलों से तैयार करवा दूँगी, जैसे बड़े बड़े गमले लगा के इसको बहुत सुंदर बनाना चाहती हूँ, बट उसके लिए पैसा चाहिए, जो बस इतना ही था मेरे पास। अब मतलब हर महीने ना पता है क्या होता है कि मैं थोड़ा थोड़ा रखती हूँ कि यार आज इस महीने ये काम करना है, तो अगले महीने मैं करवाऊँगी ये वाला काम आगे का फ्रंट का, अगर हो पाया तो थोड़ा थोड़ा इस महीने भी करवा लूँगी, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है इस महीने के एंड में करवाऊँगी मैं ये वाला काम आगे का ना। देखिए अपना बैलेंस भी और अपना पैसा भी, मतलब हर चीज़ देख के चलनी पड़ती है, घर खर्च, उसके बाद हम इस टाइप के खर्चे कर सकते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो को मैं यही एंड कर देती हूँ, अगली वीडियो में मिलते हैं। और मेरी वीडियो को अभी आपके सामने इसलिए नहीं आ रही हूँ, बाय, फेस सो के उठी हूँ यार, नहा तो लूँ कम से कम, उसके बाद आऊँगी। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। और अच्छी पॉजिटिविटी आ गई ना मेरे घर में कितनी ज़्यादा।